उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में बीते दिनों बर्तन व्यापारी के घर डकैती की वारदात करने वाली 25,000 की नामिया दो और बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोच लिया है। इन दो में से एक बदमाश ने डकैती का माल बरामद करने वाली पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पैर में गोली मारकर उसे लंगड़ा बना दिया। आपको बता दें कि इस मामले में 7 आरोपियों को पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम ने पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, यानी इस वारदात के कुल 9 आरोपी अब तक दबोचे जा चुके हैं, जबकि 3 बदमाश अभी फरार हैं। पूरा मामला बाराबंकी जिले में कुर्सी थाना क्षेत्र के टिकटगंज कस्बे से जुड़ा हुआ है, जहां के निवासी बर्तन व्यापारी शिव कुमार निगम के घर पर बीती 19 दिसंबर को हथियारगंज बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। डकैती के मामले में पुलिस अब तक कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसी मामले में फरार चल रहे 25,000 के नामिया बदमाशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 17 किलो चांदी और 52 ग्राम सोना बरामद किया। बाराबंकी के अपर पुलिस अधीक्षक CN सिन्हा ने बताया कि डकैती के मामले में फरार चल रहे 25,000 इनाम के इनामी बदमाशी से कुर्सी थाना क्षेत्र के बेलवाहर मजरे मोहशंड का निवासी अमरजीत यादव और गणेश यादव उर्फ गणेशी को गिरफ्तार किया गया, जिनको डकैती के दौरान लूटे गए जेवरातों की बरामदगी के लिए जंगल ले जाया गया था। गणेशी पुलिस के साथ जंगल पहुंचा और बोरी में भरा सामान निकाला। इसी दौरान गणेशी ने बोरी में रखे तमंचे को निकाला और भागने लगा। दिनांक 18 दिसंबर 2023 को टिकैतगंज जो थाना कुर्सी में आता है, वहाँ पर एक बर्तन व्यवसायी के घर में एक डकैती हुई थी। उस डकैती के एक वांछित अभियुक्त को 23 तारीख की रात में, जो इसका नाम गणेशी है, उसे गिरफ्तार किया गया था और उसके साथ एक उसका साथी अमरजीत भी था। गणेशी चूंकि एक शातिर अपराधी है, उसके विरुद्ध कई मुकदमे लूट और अन्य संगीन अपराधों के पंजीकृत हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों में। आज जब उससे पुनः पूछताछ की गई, जब तो उसने बताया कि उसने कुर्सी के पीछे एक पिघटी जंगल है, वहाँ पे उसने अपने कुछ अन्य साथियों का सामान, जो कि हिस्से में उसको डकैती की में जो लूट हुई थी उसकी बरामदगी जो हुई, उसमें कुछ सामान उसने अपने अन्य दो साथियों का वहाँ छिपा के रखा हुआ है। इस बात पे विश्वास कर पुलिस टीम थाने से रवाना हुई और इस जगह पे पहुँची। वहाँ पे उसने एक गड्ढे में बताया, एक जंगल में, कि यहाँ पे ये सामान हमने छिपा के रखा है एक बोरी में। गड्ढे को खोद के उसने खुद निकाला वहाँ पे। जैसे ही उसने बोरी को ओपन किया, उसमें एक तमंचा, जिसके बारे में उसने पहले से नहीं बताया था, निकाला और वो वहाँ से उसने तमंचे को लेके भागने लगा। उसने जो कि लोडेड था, और उसने वहाँ पर पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने दूसरा भी फायर किया। तब पुलिस को आत्मरक्षार्थ फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें कि उसके दाहिने पैर में एक गोली हिट हुई है। उसे तुरंत विधि संगत तरीके से अभिरक्षा मिल गया और उसे हॉस्पिटल में समुचित चिकित्सा हेतु भेजा गया है। और यह भी बताना आवश्यक है कि इस समय ये जो गणेशी जो अपराधी है, गणेशी यादव, इसके ऊपर इस मुकदमे में 25,000 रुपये का इनाम पुलिस अधीक्षक बाराबंकी महोदय के द्वारा घोषित भी किया जा चुका है।